तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिग बॉस अपनी कंट्रोवर्सी के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, तो एक नई कंट्रोवर्सी हो चुकी है हमारे लव कटारिया भाई और रणवीर शौर्य के बीच में। तो देखते हैं क्या हीटअप आर्गुमेंट हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत ही मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। भाई आज क्या हुआ, आज इसकी लड़ाई हुई थी उससे, रणवीर शौर्य से, तो उसमें तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक नई वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कि बिग बॉस का नया एपिसोड आ गया है, ओटीटी बिग बॉस वापस आ गया है, और जिसमें कि आपको देखने मिलेगा कटारिया, लव कटारिया, जो कि एलिश भाई का फ्रेंड है। तो देखते हैं कि उनकी आज क्या फाइट हुई है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और बिग बॉस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। लव कटारिया की जो लड़ाई है वो रणवीर शौर्य के साथ हुई है, वो भी इसलिए हुई है क्योंकि जो लव कटारिया है वो डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे रणवीर शौर्य से, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि वो जब खड़े थे तो ऐसे टांग रख के, ऐसे करके खड़े होकर बात कर रहे थे, जो कि उन्होंने बाद में बताया भी कि मैं तेरे उम्र में बड़ा हूं और तेरे को ढंग से बात करना चाहिए मेरे से, जिसके लिए उन्होंने बाद में सॉरी भी फील किया और ये कहा कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। और सभी घर वाले उनको बता रहे थे कि नहीं, तेरे को अच्छे से बात करना चाहिए था और वो तेरे से एज में बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एज का कार्ड जो है वो प्ले किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि कटारिया गलत है या नहीं, और जो कटान बेस है और जो भी उनको प्यार करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताएं कि वो कैसे इंसान है और क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे हैं, तो कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं है तब भी कमेंट करके ऑडियंस को बताएं कि वो कैसे। मैं बिल्कुल अनबायस्ड रहूंगा, कभी तो मतलब कटारिया वैसे हैं बायस्ड, बट इस बारी अनबायस्ड कि नो डाउट उसकी एज ज्यादा है, बट कटारिया ने मेरे हिसाब से इंटेंशनली कुछ नहीं करा है। और ऐसे ही नए नए अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। तो बिग बॉस में अरमान मलिक और उनकी वाइफ्स भी आई हैं, तो उनके ऊपर भी एक नई वीडियो बनेगी, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो फिलहाल के लिए यही फाइट थी और नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि नया क्या आता है।